बच्चों, आज आप देख रहे हो, आज आपका जो क्लास है वो आपके जो पीटी टेस्ट होने वाले हैं, फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो आज मैंने वो पैटर्न को बताना चाहा, आपसे शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह के सवालात आपसे पूछे जाएंगे। एक उसी तरह का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपके सामने आप देख सकते हो कि सवाल आपके कैसे होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर वन है, आपके निसाब में यानी आपके सिलेबस में शामिल नज़म बच्चों की दुआ किसने लिखी है? तो ऑप्शन रहेगा अल्लामा इकबाल, जाकिर हुसैन, नज़ीर अकबर आबादी, नहीं मालूम। तो ये चार ऑप्शन में से जो सही है उसको आपको टिक करना है। जैसे अल्लामा इकबाल इस नज़म को लिखा है। दूसरा सवाल है कि बच्चे ने जुगनू को कहाँ छुपाया? घर में, रुमाल में, टोपी में, रूम में? तो इसका आंसर क्या होगा कि टोपी में, बच्चे ने जुगनू को टोपी में छुपाया था। फिर उसके बाद है तीसरा सवाल है कि जुगनू किससे बात कर रहा है? आदमी से, इंसान से, बच्चे से, दोस्त से? तो आपके जो टेस्ट होंगे उसमें जो सवालात होंगे उसमें इसी तरह के चार ऑप्शंस होंगे, तीन भी हो सकते हैं, चार भी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन उसमें से जो सही आंसर आपको लगेगा उस पर आप टिक करना है, उसको वैसे ही जवाब देना है। ये पूरे का पूरा जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जुगनू किससे बात कर रहा था? तो बच्चे से बात कर रहा था। चौथा सवाल है, ये कुदरत की कारीगरी है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसमें क्या भराएगा? ये कुदरत की कारीगरी है दोस्त, जनाब, यार, लोग? तो इसमें भराएगा कि ये कुदरत की कारीगरी है जनाब। पांचवा सवाल है, नगमा आज बहुत, बीच में खाली है, उसके बाद क्या है? थी। तो फिल इन द ब्लैंक से इसमें चारों में से कोई एक वर्ड इसमें भराएगा तब ये जुमला मुकम्मल होगा कि नगमा आज बहुत खुश थी। तो इसमें क्या भराएगा? खुश भराएगा। इसी तरह से सिक्स नंबर पे है कि तुम लोगों के बातों में दम है, जोर है, ताकत है, मज़ा है। तो इसमें क्या होगा कि तुम लोगों की बातों में दम है। फिर सातवां सवाल है कि उसी से ठंडा उसी से गर्म, ये कहानी किसने लिखा है? तो बाबू ये कहानी जाकिर हुसैन ने लिखा है। बच्चा किस राह पर चलने की दुआ मांग रहा है? बद, सीधे रास्ते पर, नेक रास्ते पर, नरम राह पर? तो बच्चों बच्चा जो है नेक राह पर चलने की दुआ मांग रहा है। नौवा सवाल है, तमन्ना का माना क्या होगा? तो तमन्ना का माना होता है आरजू, उम्मीद, ख्वाहिश, ए और सी दोनों। तो क्या होगा इसमें? तमन्ना का माना आरजू भी होता है और ख्वाहिश भी होता है। सवाल नंबर 10 है कि दुआ का उल्टा यानी दुआ का जो मुतजाद होगा, एंटोनिम्स होगा, वो क्या होगा? तो दुआ का क्या होता है बच्चों? बददुआ। 11वां सवाल है कि लकड़हारा अपनी गुजर बसर कैसे करता था? तो लकड़हारा अपनी गुजर बसर लकड़ियाँ काट कर करता था। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इसी तरह से 12th नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है, मंदरजा ज़ेल से इस्म को तलाश करें कि ये जो चार ऑप्शन दिया हुआ इसमें इस्म यानी नाउन कौन है? जाना, घूमना, सोना, अरशद। तो इसमें अरशद जो है ये इस्म है। फिर उसके बाद 13 नंबर पे है कि दर्जा ज़ेल से वाहिद लफ्ज़ को चुने कि ये चार ऑप्शन में वाहिद कौन सा लफ्ज़ है? लकड़ियाँ, जंगलों, फ़ायदा, उंगलियाँ? तो फ़ायदा जो है ये वाहिद है। इसी तरह से कि मंदरजा ज़ेल से मौजू लफ्ज़ को अलग करें, मौजू कहते हैं जिसका कोई माना हो, आपने पढ़ा है मौजू लफ्ज़, वाय, वास, चाय, स्कूल, तो चाय मौजू लफ्ज़ है, बाकी जो तीनों हैं वो मुहम्मल लफ्ज़ हैं। लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? तो लफ्ज़ की दो किस्में हैं, आपको ऑप्शन दिया रहेगा 1, 2, 3, 4। तो लफ्ज़ की दो किस्में, एक मौजू और एक मुहम्मल। उसके बाद लफ्ज़ कैसे बनता है? हरूफ से मिलकर, लफ्ज़ से मिलकर, इस्म से मिलकर, फ़ेल से मिलकर। तो बच्चों आपने पढ़ा है कि हरूफ से मिलकर लफ्ज़ बनते हैं। मंदरजा ज़ेल में हर्फ कौन है? इंसान, नेक, ते, तुम? तो मंदरजा ज़ेल में जो सी है, ते, वो एक हर्फ है, बाकी सब लफ्ज़ है। इल्म की जमा क्या है? इल्म की जमा उलूम है, ऑप्शन नंबर सी सही है। सवाल नंबर 19 है, लास्ट या आखिरी सवाल है कि नगमा किस काम में लगी हुई थी? घर साफ़ करने में, पढ़ने में, अलमारी साफ़ करने में, सोने में? तो बच्चों नगमा जो है अलमारी साफ़ करने में लगी हुई थी। तो आपके जो सवालात होंगे आपके इम्तहान में वो इसी तरह के सवालात पूछे जाएंगे।
तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो तैयारी इसी तरह से करें, इसी सवाल को मद्देनज़र रख करके कि इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 4 तक आपके पीरियोडिक टेस्ट का, फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट का सिलेबस है, उसी से क्वेश्चन होंगे। ग्रामर में आपने हर्फ पढ़ा है, हर्फ की किस्मों को पढ़ा है, लफ्स पढ़ा है, फिर कलिमा पढ़ा है, इन सारे टॉपिक से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं।